नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड हीमोफीलिया, दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर और द रिसेसिव जीन डिसऑर्डर. ऑब्वियसली फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन, दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर. इसीलिए तो फीमेल कैरियर होती है इसकी. अगर आप एक फीमेल कैरियर है, ठीक है, उसको आप नॉर्मल मेल के साथ, ठीक है, क्रॉस कराएंगे तो क्या होता है आपका, ऐसे करके देखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैसे है, ये कैरियर फीमेल है आपकी, इसको क्रॉस कराया आपने नॉर्मल मेल के साथ, ठीक है, जब आप इसको क्रॉस कराएंगे ये नॉर्मल फीमेल, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल मेल, दिस इज द कैरियर फीमेल एंड फ्रॉम दिस क्रॉस अ डिसीज्ड मेल, ठीक है. अगर एक्स के अंदर तो ये दोनों में ऐसे होगा तो ही फीमेल डिसीज्ड होगी, एक्स लिंक्ड. इसीलिए ये जो हीमोफीलिया है आपका, इट इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. ओके, ये जो सिर्फ एक एक्स पर होता है ना, तो कैरियर होता है, उनके अंदर डिसीज के सिम्टम्स नहीं दिखते, दे आर द कैरियर फीमेल्स. तो व्हाट इज हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स, वायरॉइड्स के लिए इनमें से क्या गलत है, ठीक है, गलत ऑप्शन बताना है आपको. फर्स्ट इज दे आर स्मॉलर देन वायरस, करेक्ट ऑप्शन है ये तो, वायरॉइड्स जो है ये वायरस से स्मॉल होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज दे कॉज इन्फेक्शन, ये भी करेक्ट है, पोटेटो स्पिंडल डिसीज जो है इसी की वजह से होती है ना, वायरॉइड्स की वजह से, तो दे कॉज इन्फेक्शन, इट इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है. नेक्स्ट इज देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, इट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि आपके जो वायरॉइड्स हैं उनका आरएनए हाई नहीं, ये होता है आपका लो मॉलिक्यूलर वेट का, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है लो होता है, हाई नहीं होता. दैट्स वाई इसने पूछा था रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, दैट्स वाई थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन. फर्स्ट सेकेंड फोर्थ तीनों ही स्टेटमेंट सही है. वायरॉइड्स जो है आपके वायरस से छोटे होते हैं, ये इन्फेक्शन कर सकते हैं और इनके पास प्रोटीन कोट भी एब्सेंट होती है, ये इनके पास नहीं होती. इसने थर्ड ऑप्शन बोला है कि इनके आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट आपका ज्यादा होता है, इट इज द इनकरेक्ट वन, क्योंकि इसका आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट हाई नहीं लो होता है, ठीक है. दैट्स व्हाई थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड. अपन ने बताया था कि जब अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा डिस्कस किया है तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टोमेटल अपार्चर जो है इट इज सराउंडेड बाय टू स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल. जो स्टोमेटा जिन दो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल से सराउंडेड होता है उन्हें तो अपन बोलते हैं गार्ड सेल. अब इसने बोला है कि गार्ड सेल के पास में, तो अपन ने फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन यही पढ़ी थी कि गार्ड सेल्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाय सम स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल और उनको अपन क्या बोलते थे, सब्सिडरी सेल्स. दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन. एज इट इज थ्योरी में आपको बताया हुआ है कि स्टोमेटल अपार्चर जो है इट इज सराउंडेड बाय टू स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल जिनको अपन बोलते हैं गार्ड सेल एंड दिस गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय सम स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल जिसको अपन बोलते थे सब्सिडरी सेल्स, ठीक है. तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्राइजोफाइट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन. Chrysophytes, Euglenoids, Dinoflagellates and Slime Molds are included in which kingdom? इसके अंदर का कुछ एग्जाम्पल पूछते तो थोड़ा वो भी होता. इसमें डायरेक्टली ग्रुप पूछ रहा है कि किस किंगडम से बिलोंग करते हैं. तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ा है अपन ने तीनों, Chrysophytes, Euglenoids, Dinoflagellates, Slime Molds, ये सारे प्रोटिस्टा में हैं. फंजाइ में तो अपन सारे वो पढ़ते हैं, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes, Phycomycetes, they all are the members of the fungi.
मोनेरा में आपको पता ही है यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, रिकेट्शिया वगैरह ये सब हैं। एनीमिलिया तो डेफिनेटली किसी ने भी बेवकूफ़ी करी नहीं होगी ये वाली। डेफिनेटली फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं आपके, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं आपके चारों ग्रुप्स, दैट इज द क्राइजोफाइट्स, यूग्लेनॉइड्स, डायनोफ्लाजिलेट्स एंड द स्लाइम मोल्ड। ओके, दैट्स वाई फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है, फ्रॉम द डंग ऑफ रिमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट। यहां से पहले तो आपके आर्की बैक्टीरियाज, दे आर नोन एज द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ना। सबसे प्रिमिटिव प्रोकैरियोट क्या है आपका? आर्की बैक्टीरिया। अपन ने आर्की बैक्टीरिया के अंदर तीन ग्रुप पढ़े थे, एक था मिथेनोजेंस, एक था थर्मोएसिडोफाइल्स और एक था हेलोफाइल्स। यू बैक्टीरिया तो खैर आर्की बैक्टीरिया के अंदर आते ही नहीं है। अपन ने तीन चीजें पढ़ी थी, मिथेनोजेंस तीन ग्रुप के अंदर पढ़ा था, थर्मोएसिडोफाइल्स और हेलोफाइल्स, ठीक है। तो उसमें अपन ने जो मिथेनोजेंस है इसमें पढ़ा था कि एक तो ये किनका काम क्या है, ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं। सबसे पहले तो मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज हैं, क्या करते हैं ये, स्वैम्पी एरियाज के जो CO2 है उसको मिथेन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, प्लस आपके जो काउडंग है, काउडंग की उसको भी उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है आपका इसका मिथेनोजेंस, ठीक है। हेलोफाइल्स तो सॉल्टी एरियाज के अंदर मिलते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स हाई टेम्परेचर वाली एरियाज में आपको मिलते हैं। मिथेनोजेंस इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस के लिए जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट यानी कि जो आर्की बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, इट इज द मिथेनोजेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट, एक टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट को अगर आप क्रॉस कराते हैं विद अ ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट, ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट के साथ अगर आप क्रॉस कराओगे, देन द F1 प्लांट वर सेल्फ। तो पहले तो इसके F1 जनरेशन क्या होगी, इट इज द F1 जनरेशन ऑफ दिस, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि आप F1 प्लांट्स जो है उनकी कराते हो सेल्फिंग, मतलब इसको आपने सेल्फिंग करा दी, तो आपका जीनोटाइप किस रेशियो में मिलेगा। तो देखो क्या होता है, ये प्योर टॉल प्लांट, प्योर ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। इन दोनों को जब क्रॉस कराओगे तो आपको फर्स्ट फिलियल जो जनरेशन मिलेगी वो ये होती है। फिर इसने बोला आपने फर्स्ट फिलियल जनरेशन को भी कराई सेल्फिंग, तो ये टीट इसको आपने कराई सेल्फिंग, तो व्हाट वाज द रिजल्ट। तो देखो क्या मिलता है आपको जब आप इसको क्रॉस कराते हो, तो इट बिकम्स दोनों कैपिटल टी, वन कैपिटल टी एंड द वन स्मॉल टी, ठीक है ना, एंड दिस दिस वन कैपिटल एंड वन स्मॉल टी एंड दिस दिस बोथ आर द कैपिटल स्मॉल टी। मतलब आपका इसका जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा वो क्या होगा, आपका टी टी इज टू टी टी इज टू टी टी, वन इज टू टू इज टू वन। देखिए प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ, ठीक है, दोनों के अंदर आपने क्रॉस कराया, आपको मिला दिस इम्प्योर टॉल दैट इज कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी, दिस इज द फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फिर इसने बोला आप फर्स्ट फीलियल जनरेशन को कराओ सेल्फिंग, आपने इसकी कराई सेल्फिंग, देखिए इसके जो इसको सेग्रीगेट करोगे तो ऐसे निकलेगा ये, ठीक है। चेकर्स बोर्ड मेथड से आप कीजिए इसको, बोथ कैपिटल टी, वन कैपिटल एंड वन स्मॉल टी, वन कैपिटल एंड वन स्मॉल टी, बोथ स्मॉल टी, तो आपका जीनोटिपिक रेशियो टी टी कितने हैं आपके, वन, ठीक है। हेटेरोजाइगस जो टॉल प्लांट है इट इज टू एंड द ड्वार्फ प्लांट जो है आपका वन, तो वन इज फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज टॉल होमोजाइगस एक, टॉल हिट्रोजाइगस, हिट्रोजाइगस है ये, इट इज टू एंड ड्वार्फ प्लांट इट इज वन, वन इज टू टू इज टू वन, दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ओके,